दो बातें मैं कहूंगा आपसे, और हम लोग शिक्षा जो आज की पद्धति है उसमें पढ़ाया जाता है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी किस किस को बताया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा को। जो असली स्वतंत्रता सेनानी है उनको नहीं बताया जाता। एक जी आक्रांता बाबर नाम का लुटेरा इस हिंदुस्तान में आया और उसने आक्रमण करके हमें बंदी बना लिया और यहाँ का राजा बन बैठा। उसकी ही औलादें चलती रही। औरंगजेब हुआ उसी पीढ़ी में, पांचवी छठी पीढ़ी में। आप हमें एक बात बताइए, जिन हमारे सूरवीरों ने उन मुगलों के खिलाफ, विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी, क्या वे स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? क्या उनको हम गर्व से उनका नाम भी नहीं ले सकते? आपके यहां की घटना ब्रज का जो इतिहास रहा है, इतना रक्तरंजिस करने वाला इतिहास किसी का नहीं रहा। महाराजा अनंगपाल ने 1636 से, पहला महाराणा अनंगपाल जी महाराज प्रथम 1736 से उन्होंने दिल्ली में शासन अपना सत्ता अख्तियार किया है, देश की रक्षा की है। वो 21 पीढ़ियां खप गई। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था गोविंद राय तोमर, पृथ्वीराज तोमर नहीं था, पृथ्वीराज चौहान नहीं था जो पढ़ाते इतिहास में। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तोमर था, जिनको आज लोग कोई खुटेला लिखता है, कोई कुंतल लिखता है, कुछ लिखता है। 21 पीढ़ियां खपा दी। 1192 में पहली बार वो हार गए, उनका कत्लेआम हुआ, फिर वो दिल्ली छोड़कर के इधर उधर एरिया में बसे। उसके बाद औरंगजेब ने एक नबी नाम का फौजदार नियुक्त किया। इनकी सारी पीढ़ियों ने ताकत लगाई कि हिंदू मुसलमान बन जाए। तो कुछ कर सकते थे, उन्होंने किया, कत्लेआम किया। कई बार तो कुओं में गाय का मीट और खून डाल देते थे और फिर कहते थे, ओ भाई तुम तो जो है जाति से निकल गए, अब तुम मुसलमान बन जाओ। खूब हथकंडे अपनाए। शाहजहां ने मीटिंग बुलाई मौलवियों की, यार क्या बात है, मेरी कई पीढ़ियां खप गई, ये हिंदू मुसलमान क्यों नहीं बनते? अभी भी हिंदू तो बहुत चरम पर है, मंदिर है, सारे जाते हैं। तो शाहजहां को मौलवियों ने कहा, महाराज इनके संत जो है ना, इनके जो धर्म स्थान है, ये मेन है प्रॉब्लम। ये संत इनको कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए ये फिर अपने मजबूत हो जाते हैं, गर्दवा लेते हैं, लेकिन ये लोग मुसलमान नहीं बनते। शाहजहां मर गया यही करता करता। औरंगजेब ने उसको बंदी बना लिया। फिर औरंगजेब ने कहा कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। एक नवी नाम के फौजदार को भेजा, मथुरा में भेजा। उसने अत्याचार मटाया, उसने आदेश पार किया 6 अप्रैल 1669 को कि भाई ये सारे मंदिरों को तोड़ दो, सारे जो हमारे धर्म स्थान हैं, मठ हैं, और जो विद्यालय हैं जिनमें शिक्षा दी जाती है, उन सबको तोड़ दो। इस तरह से उन्होंने जो इस्लामीकरण का कदम बढ़ाया जा रहा था, उसकी क्रूरता प्रारंभ हुई ब्रिज से, और उन्होंने चारों तरफ मारकाट प्रारंभ कर दी। और यहाँ का जो जनमानस था, यहाँ का जो हिंदू था, वो त्राही त्राही मान करने लगा कि जिस कृष्ण भगवान ने धर्म के युद्ध में पांडवों को जिताया था, क्या आज हम उसका मंदिर भी नहीं बचा सकते? तो यहाँ पर पंचायत हुई, अध्यक्ष गोकुला जाट को बनाया गया। सारे वीरों ने, देखो मुगलों की सेना से कोई भी आदमी 5 दिन लगातार युद्ध नहीं कर पाया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, हमारी पीढ़ियां खप गई हैं। कोई भी 5 दिन युद्ध नहीं कर पाया, केवल ये जो लोग थे ब्रिज के, गोकुला जाट की अध्यक्षता में जिन्होंने युद्ध लड़ा, जिन्होंने, और खुद औरंगजेब युद्ध के मैदान में था तब, 5 दिन युद्ध लड़ा। इनको पीछे धकेल दिया 4th दिन। 5वें दिन बाहर की कुछ और बटालियन इनकी आ गई, फौजी आ गए, फिर ये मारे गए। हजारों की संख्या में
लोग युद्ध के मैदान में मारे गए, कई हजार लोग बंदी बना लिए गए जिनको आगरा ले गए, गांव में जाकर के कत्लेआम इन्होंने किया, हम हिंदू संस्कृति का अपमान किया और गोकुला जाट के साथ कुछ लोगों को ले जाकर के आगरा के चौराहे पर, ये छोटी घटना नहीं है बाबूजी, इतिहास में बताओ किसी वीर के साथ ऐसा हुआ हो, उसको ऑफर दी गई थी। ये कहना और सुनना और समझना बहुत आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिकली करना बहुत कठिन। उनको कहा था कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, आपको कोई इनको बड़ा पद दे देंगे। उसने कहा नहीं स्वीकार करूंगा, कह रहे माफी मांग लो, बोला नहीं मांगूंगा, तू विदेशी है, तू अक्रांता है, तेरे सामने अगर मैं माफी मांगूंगा, मैं हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करता हूं, तो समझो हिंदू पूरे हिंदू समाज ने माफी मांग ली। देखो परिवार का अग्रणी को कितना सोच समझ के चलना पड़ता है, कुल का परिवार का वंश का अग्रणी जो होता है उसको देख करके उसके परिवार के लोग, कुनबा के लोग, उसके क्षेत्र के लोग फिर उस तरह से आचरण अपनाते हैं। उन्होंने क्यों नहीं अपनाया कि अगर आज मैंने अपना लिया तो मेरे सारे जितने हिंदू परिवार ब्रिज में रहते हैं सारे इस्लाम कबूल कर लेंगे। कहता माफी मांगेगा ये अक्रांता, ये हमारे देश के अंदर आया विदेशी, हम क्या माफी मांगे? हम 5,000 साल से महाभारत काल से भी ऊपर से हमारी वंशावली है, हम इस भारतीय भूमि के स्वामी हैं। उसको फिर फवारा चौक पर पुरानी कोतवाली के सामने आगरा में, वो इतिहास सब आपको पता है, बच्चों को सबको नहीं पता है, जनमानस को नहीं पता है, टुकड़े टुकड़े उसको किया गया, बायां हाथ उसका अलग कलम किया गया, फिर दायां हाथ कलम किया गया, फिर गर्दन कलम की गई, उसके ताऊ की जीते जी खाल उतारी गई थी, अनाउंसमेंट करवा के मुनादी कराई गई थी इलाके कमेटी के गांव में कि फला दिन ऐसा करेंगे। हजारों की संख्या में वहां पर हिंदू लोग थे, खिसक रहे थे सब, कई तो गस खा करके गिर गए थे। आप थोड़ा सा सोच करके देखो वो इतिहास क्या रहा होगा, उन दिनों में जनमानस हिंदू जनमानस के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिनका अग्रणी को अनाउंस करवा करके चौराहे के ऊपर इस तरह से निर्दयता से काटा गया हो। हमारा क्या कोई दायित्व तो नहीं बनता क्या उनके प्रति? उनको काटा गया, उस इधर गर्दन गिरी उसके नीचे, उधर सेना लगा दी केशवदेव मंदिर यानी कि कृष्ण के जन्म स्थान मंदिर पर जिसके लिए कुर्बानी दी थी, उस मंदिर को भी फिर ध्वस्त किया गया। उसके बाद सेनाएं गांव गांव गई, हिंदू जनमानस यहां से इधर उधर बहन बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए भागे, हजारों बहन बेटियों ने हजारों माताओं ने सुसाइड किया, आज की भाषा में बोलते हैं ना सुसाइड, अग्निदाह किया। कैसा दिन रहा होगा वो, कैसा समय रहा होगा वो, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को अपनाने के लिए एक मिनट एक सेकंड के लिए गर्दन उनकी नहीं झुकी। उनसे बड़ा कोई सूरवीर, उनसे बड़ा कोई स्वतंत्र सेनानी है नहीं, लेकिन जो पुरानी सरकार रही है उन्होंने सही इतिहास को हिंदू समाज को पढ़ाया सिखाया भी गया, उनके सम्मान को, उनको पूरा सम्मान उन वीरों को नहीं दिया गया, और ये अब बीड़ा उठाया है पांडव सेना स्वाभिमान मंच के तले। हम कुछ लोग पांडव सेना स्वाभिमान मंच के तले इकट्ठे हुए हैं, हमने ये बीड़ा उठाया है, हम गांव गांव में जाएंगे, हम गली गली में जाएंगे, हम जन जन तक जाएंगे और इस पूरे इतिहास को जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि पूरा जनमानस इन वीर शहीदों के सम्मान में इकट्ठा हो सके। तो मेरे साथ आप दो तीन नारे हैं वो आप लोग बोलेंगे। ले लो, मैं बता रहा हूं आपको, ले लो सोटा कसो लंगोटा, ये मैं बोलूंगा, कसो लंगोटा वीरों के सम्मान में, ले लो सोटा कसो लंगोटा वीरों के सम्मान में, और वीरों के सम्मान में हम निकले मैदान में, वीरों के सम्मान में हम निकले मैदान
सम्मान, वीरों के सम्मान में, वीरों के सम्मान में, अन्न के मैदान में, पांडव सेना स्वाभिमान मंच के बैनर तले गांव दूधौला से ये लोग अपने शहीदों की याद में 1 जनवरी 2024 को और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव दूधौला से निकले हैं। चलो भैया बैठ जाओ, पंडित जी बैठ जाओ। आखिरी जो हालात है इतना पढ़े लिखे को